फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज डिस्कस करेंगे। और आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पेमेंट विजन 2025? पेमेंट विजन 2025 क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो ये किसके द्वारा, ये एक्चुअली पेमेंट विजन 2025 ये RBI का डॉक्यूमेंट्स है जो उसके द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये कौन सी डेट में पब्लिश किया गया था, तो ये डेट थी हमारी 17 जून 2022। तो क्या इसका थीम था, किस पर्पस के लिए ये जो आपका पेमेंट विजन 2025 इसको पब्लिश किया था? इसका पर्पस था, पेमेंट विजन 2025 हैज़ द कोर थीम ऑफ ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरी टाइम। तो 4 E's हो गए, ई पेमेंट करवानी है सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक, ई पेमेंट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो सभी लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और पेमेंट को इस्तेमाल करें, एवरीवन सभी के लिए, एवरीवेयर हर जगह पे, एवरी टाइम हर हर समय। तो ये इसका मेन थीम था, एंड एम टू प्रोवाइड एवरी यूजर विथ सेफ सिक्योर फास्ट कन्वीनियंट असेसिबल एंड अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस। तो हर यूजर को सेफ यानी सिक्योर, सेफ सिक्योर फास्ट यानी जल्दी, कन्वीनियंट मतलब बहुत इजीली अवेलेबल हो, बहुत आसानी से असेसिबल हो सके, और अफोर्डेबल मतलब सस्ती हो। तो ई पेमेंट के ऑप्शन बहुत सस्ते रखने हैं, तो ये सारे इसके मेन मेन इसके पर्पस थे। तो पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स इज प्रेजेंटेड अक्रॉस 5 पिलर। तो ये जो डॉक्यूमेंट है पेमेंट विजन 2025, इसके 5 पिलर्स हैं, उनके पिलर्स के नाम भी आपको याद रखने होंगे। इंटीग्रिटी, मतलब ये जो है इसके जो पिलर्स है, पहला आपका आ गया इंटीग्रिटी, दूसरा आ जाएगा इंक्लूजन, तीसरा इनोवेशंस, चौथा आ जाएगा इंस्टीट्यूलाइजेशन, और पाँचवा आ जाएगा इंटरनेशनलिज्म। ये 5 इसके पिलर्स है। तो कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन कौन से 5 पिलर्स है जिसके ऊपर आपका पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट्स बनाया गया। तो इंटीग्रिटी मतलब कोई भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो इंटीग्रिटी के साथ होना चाहिए। इंक्लूजन जो है, इंक्लूजन लेके हमें चलना है, इनोवेटिव होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए। तो ये 5 इसके पिलर्स हैं। और इसके जो कोर थीम की बात करें तो वहाँ पे 4 E's है। उस 4 E में से पहला है ई पेमेंट, सेकेंड है एवरीवन, थर्ड है आपका एवरीवेयर, चौथा है एवरी टाइम। तो ये 4 E के ऊपर इसका कोर थीम काम करता है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का ये आपसे पूछ सकते हैं। वट आर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट ओपन जॉइंटली? तो कौन कौन से टाइप के अकाउंट है जो कि जॉइंटली ओपन किए जाते हैं? तो इसके ऊपर जनरली आपका केस स्टडी फॉर्म आ जाता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि जॉइंटली और सर्वाइवरशिप जो अकाउंट होते हैं उसके क्या फीचर्स हैं, या ईदर और सर्वाइवर के क्या फीचर्स हैं। तो हमें सभी के फीचर्स मालूम होने चाहिए। अगर हमें मालूम है तो हमारे को अगर 5 नंबर का केस स्टडी भी बना के दे दे तो हम आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके का केस स्टडी ऑलरेडी आ चुका है आपका 5 नंबर का PPB में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन सा टाइप के अकाउंट ज्वाइंटली है। पहला आपका आता है ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज और सर्वाइवर्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हम डिफरेंस भी देखेंगे। पहले यहाँ पर समझते हैं कि ज्वाइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब क्या है। ये अकाउंट ज्वाइंटली ऑपरेट किया जाएगा जितने भी अकाउंट होल्डर होंगे, एज देर इज नो सर्वाइवरशिप क्लॉज। तो इसमें सर्वाइवरशिप नाम का कोई क्लॉज नहीं डाला गया, जैसे इसमें सर्वाइवर दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है। सो मान लीजिए किसी, वो जो जॉइंट है मान लीजिए ए और बी, उसमें से मान लीजिए ए की डेथ हो गई, तो किसी भी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ए के जो राइट्स है, वो जो पैसा है ए के, वो उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो ए के जो लीगल हेयर है उसको पेमेंट मिलेगी, ना कि बी को। हिन्स द ऑपरेशन इन द अकाउंट शुड बी स्टॉप। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी तो हमें अकाउंट को जो ऑपरेशन है उसमें जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, एंड बैलेंस इज पेबल टू द सर्वाइवर्स एंड द लीगल हायर। तो जो बैलेंस होगा वो सर्वाइवर को, बी को, और जो ए के लीगल हायर है उनको दिया जाएगा। तो वो होता है आपका जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज। सेकेंड हमारा अकाउंट आता है जॉइंटली और सर्वाइवर्स। इसमें क्या डिफरेंस है, सच अकाउंट इज ऑपरेट जॉइंटली बाय ऑल अकाउंट होल्डर। जैसी पहली लाइन थी वैसी इसकी लाइन है, तो जितने भी अकाउंट होल्डर है सभी उसको जॉइंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। जब भी पैसा विड्रॉ करना है तो सभी के साइन चलेंगे, मान लीजिए ए और बी है, कोई भी चेक दिया जाएगा तो दोनों के साइन उसमें होने चाहिए, तो जॉइंटली ऑपरेट होना चाहिए। द मैंडेट गिवन इज दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ होल्डर्स, मान लीजिए ए का डेथ हो गया या बी का, हमारे एग्जाम्पल में मानते हैं कि ए का डेथ हो गया, ठीक है, द सर्वाइवर होल्डर हैव द राइट ओवर द अकाउंट। तो इस केस में जो सर्वाइवर होगा बी, उसके ऊपर पूरा राइट है कि वो इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकता है। ही इज द सर्वाइवर कैन बी अलाउड टू कंटिन्यू टू ऑपरेट द अकाउंट, और द बैलेंस इन द अकाउंट कैन बी पे टू सर्वाइवर। तो बी की मर्जी, वो चाहे तो अकाउंट को अकेले ऑपरेट करे, या वो चाहे तो पूरा पैसा बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस आपका 1 और 2 में। इसमें क्या हुआ था, जैसे एक पर्सन की डेथ हुई थी, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं था, तो उसके डेथ के बाद जो उसके पैसे पे जो हक है वो उसके लीगल हेयर को वो हक दिया गया। बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो पैसा, जो जिसकी डेथ हो जाएगी तो जो सर्वाइवर है उसको पैसा मिल जाएगा, उसका पूरा हक है, वो चाहे तो अकाउंट को ऑपरेट करेगा, और अगर वो चाहे तो अकाउंट को क्लोज करके पूरा पेमेंट लेके जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों अकाउंट में। तीसरा आता आपका ईदर और सर्वाइवर। ये बहुत ही सिंपल टाइप का, आपने देखा भी होगा कि चेक जो अकाउंट का मैंडेट है वो ईदर और सर्वाइवर है, तो इसमें दोनों में से कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई चेक लीव दी गई है, मान लीजिए ए और बी ने अकाउंट खुलवाया ईदर और सर्वाइवर, ठीक है, ए एंड बी ने,
तो या तो ए के साइन है तो भी चलेगा, या बी के साइन है तो भी चलेगा, तो किसी एक के साइन से काम हो जाएगा। इसमें दोनों के हक हाँ बिल्कुल इक्वल दिए जाते हैं। दिस मॉडलिटी इज यूज फॉर द अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ टू पर्सन, दो लोगों के नाम पर अकाउंट ओपन किया जाएगा। द अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाई ईदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ देम, मान लीजिए ए का डेथ हो गया, द सर्वाइवर कैन बी अलाउड टू ऑपरेट दिस अकाउंट और बैलेंस इन द, तो जो सर्वाइवर है जो बी रह गया, बी चाहे तो उस अकाउंट को अकेले ऑपरेट कर सकता है या वो उसको क्लोज करके बैलेंस लेके जा सकता है। तो वो आपके फीचर्स है ईदर और सर्वाइवर, इन दोनों में डिफरेंस क्या, ये जॉइंटली था। तो अगर कोई भी चेकलिप कुछ भी दिया जाएगा, जो भी एक्टिविटी होगी, दोनों के साइन चाहिए तभी वो चेकलिप चीज़ें पास होंगी जॉइंटली। ईदर और सर्वाइवर में दोनों में से कोई भी एक चलेगा, या तो ए के साइन चल जाएंगे या बी के साइन चल जाएंगे, दोनों में से किसी एक के साइन से काम हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, और दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाएगी तो जो दूसरा पर्सन होगा सर्वाइवर, वो अकाउंट को ऑपरेट भी कर सकता है या चाहे तो अकाउंट क्लोज करके पैसा लेके जा सकता है। नेक्स्ट आता है एनी वन और सर्वाइवर, ठीक है, एनी वन और सर्वाइवर, ये मॉडलिटी कब इस्तेमाल की जाती है, वेन एन अकाउंट इज ओपन बाय मोर देन टू पर्सन। तो अभी तक जो हमने पढ़े ये किसके लिए थे, जब एक ही पर्सन हो, जैसे इधर और सर्वाइवर में बस दो ही होना चाहिए ए और बी, लेकिन अगर तीन लोग हैं, दो में मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है तो ये वाला चलेगा, लेकिन अगर तीन लोग हैं तब आप एनी वन और सर्वाइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर तीन होंगे मतलब मिनिमम थ्री होंगे, दो से ज़्यादा, तभी आप ये एनी वन और सर्वाइवर वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर देन टू पर्सन एंड इज ऑपरेटेड बाय एनी वन ऑफ देम, तो मान लीजिए तीन लोग हैं, ए भी मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और सी उनका डॉटर या सन, कोई भी मान लीजिए सी उसका सन ही है, तो अब क्या होगा, या तो ए या बी या सी, तीनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, तीनों के साइन चलेंगे। अगर ए को पैसा चाहिए वो जाके अपना चेकलिप के थ्रू अकेले जाके अपने अकेले के साइन से पेमेंट ले सकता है, ऐसे बी भी अकेले जाके अपने पेमेंट से साइन ले सकता है, साइन से पेमेंट ले सकता है, और सी भी साइन करके अपना पेमेंट ले सकता है। तो तीनों को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। मान लीजिए किसी एक का डेथ हो जाता है, तब इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ होल्डर, अगर इनमें से किसी एक की भी डेथ हो जाती है, मान लीजिए एक की डेथ हो गई, द राइट टू ऑपरेट द अकाउंट रेस्ट विद द सर्वाइवर, तो जो जीवित रह गए बी और सी, वाइफ और सन, तो ये दोनों उस अकाउंट को ऑपरेट करेंगे बट जॉइंटली। लेकिन जैसे ही डेथ होगा तो इन दोनों को जो है अकाउंट जॉइंटली, मतलब एक साथ इनको मौका मिलेगा कि एक साथ ये जो है अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि अलग अलग करें तो फिर उनको नया जो है फ्रेश मैंडेट देना पड़ेगा फ्रॉम ऑल द सर्वाइवर्स, तो जो भी जीवित है जैसे बी और सी, तो उनको एक नया मैंडेट लिख के देना पड़ेगा इफ अकाउंट इज कंटिन्यू टू बी ऑपरेटेड बाई ई और एस। तो अब दो ही लोग बचे, वो चाहते हैं कि बी और सी चाहते हैं, मतलब वाइफ और बेटा चाहते हैं कि हम अलग अलग भी ऑपरेट करें, हमें जॉइंटली हर बार नहीं आना, तो उस केस में उनको एक नया मैंडेट देना होगा, और फिर नया मैंडेट किस नाम से बनेगा, ई और एस, क्योंकि अब तो दो ही लोग बच गए ना, ई और एस नाम से उनको नया मैंडेट देना होगा। एनी वन और सर्वाइवर क्यों था, जब भी दो से ज़्यादा तब आप एनी वन और सर्वाइवर इस्तेमाल करते हैं। चौथे और थर्ड में डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें सिर्फ दो लोग होने चाहिए, और इसमें दो से ज़्यादा अगर तीन लोग हैं तब आप एनी वन और सर्वाइवर का इस्तेमाल करेंगे, और बिल्कुल फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है दोनों के। इसमें भी वही था कि कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इसमें दो है तो दोनों में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है, यहाँ भी वही है, तीन है तीन में से कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इसमें था किसी एक का डेथ हो जाएगा तो जो सर्वाइवर है उनको पैसा मिलेगा, इसमें भी वही है किसी एक का जो डेथ हो जाएगा, बट हाँ इसमें एक ही बच गया था, इसमें एक ही बच गया था क्योंकि दो लोग हैं, एक की डेथ हो गई तो एक बच गया सिर्फ बी, तो वो अकेला ही अकाउंट को ऑपरेट करेगा, वो चाहे तो उसको क्लोज करके पैसा लेके जा सकता है, बट इसमें दो बच जाएंगे, तीन में से एक का डेथ हुआ तो दो बच जाएंगे वो, तो वो जो दो लोग हैं उनको जॉइंटली ऑपरेट करना पड़ेगा, डेथ के बाद वो अलग अलग नहीं कर सकते। बट अगर जैसे वाइफ और ये बेटा बच गए तो उन्होंने बोला कि हम जॉइंटली नहीं ऑपरेट करना चाहते, हम चाहते कि इसको आप हम अलग अलग अकाउंट ऑपरेट कर सके, मतलब जब मन चाहे बी ऑपरेट कर ले या जब मन चाहे सी, तो इस सुविधा के लिए उनको एक नया मैंडेट लिख के देना पड़ेगा ई और एस नाम से। अब तो दो ही है तो इसलिए एनी वन और सर्वाइवर नाम से नहीं होगा, वो ई और एस होगा, तो चाहे तो बी या फिर सी कोई भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, वही इसमें है। और अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों का डेथ हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ऑन द डेथ ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द अकाउंट होल्डर द बैलेंस, अगर सिर्फ एक ही पर्सन बच गया लोन सर्वाइवर, तो उसको सारा बैलेंस का अकाउंट पेमेंट दे दिया जाएगा, इस तरह से काम करेगा। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ होगी तो जो सी है, ए और बी दोनों की डेथ होगी तो जो सी है वो अकेले उसको ऑपरेट कर सकता है, उसको बैलेंस पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका अकाउंट मैंडेट आता है फॉर्मर और सर्वाइवर। सो फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट की क्या खास बात होती है, नाम से लग रहा है फॉर्मर, तो जो पहला पर्सन होगा, जो पहला पर्सन जैसे मान लीजिए ए और बी दो है, इन्होंने जो है इन दोनों ने मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है ए और बी, इन्होंने एक फॉर्मर और सर्वाइवर वाला अकाउंट ओपन किया, तो इसमें क्या होगा, जो फॉर्मर जो पहले वाला पर्सन होगा जिसका नाम पहले लिखा होगा, मान लीजिए लिखा है ए और बी का, मान लीजिए लिखा हुआ है आपका ए एंड बी का आपका फॉर्मर और सर्वाइवर है, ठीक है, अकाउंट मैंडेट है फॉर्मर और सर्वाइवर, तो इसमें जो जो पहले वाला है उसी का पूरा राइट होगा, जैसे इसकी डेथ हो जाएगी एक ही, उसके बाद जो है दूसरे का नंबर आएगा। तो फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या है, जो पहले वाला पर्सन है फॉर्मर, उसका पूरा राइट रहेगा, जब तक वो जीवित है तब तक एस उसके अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, एस का कोई भी राइट नहीं है, पूरा 100% राइट अकेला फॉर्मर के पास है।
एस का उस अकाउंट में कोई भी हक नहीं है, जैसे ही फॉरवर्ड की डेथ हो जाएगी वैसे एस का उस अकाउंट पे जो है राइट होगा, उसके बाद एस उसको ऑपरेट कर पाएगा। दिस मॉडल इट इज यूज फॉर अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ टू पर्सन, तो दो लोगों के नाम पर अकाउंट ओपन किया जाएगा। सच अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द फर्स्ट होल्डर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, तो जो पहला अकाउंट होल्डर है पूरी जिंदगी भर वही उस अकाउंट को इस्तेमाल करेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट होल्डर, जैसे उस फर्स्ट अकाउंट होल्डर की जिसने लाइफ टाइम इस अकाउंट को इस्तेमाल किया उसकी डेथ हो जाएगी, द सर्वाइवर कैन ऑपरेट द अकाउंट, तो जो जीवित बच जाएगा दूसरा वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। द अकाउंट इज द बैलेंस इन द अकाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर इफ ही डिजायर्स, अगर जो सर्वाइवर जो जीवित रह गया वो अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है तो वो ऑपरेट कर सकता है, और वो चाहे तो क्लोज करके पैसा लेके जाना चाहता है बैलेंस उसको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो खासियत आपके फॉर्मर और सर्वाइवर, तो इसके लिए दो ही लोग होने चाहिए, और जो फॉर्मर है पहले वाला उसी का पूरा राइट रहेगा जिंदगी भर जब तक वो जीवित रहेगा। फॉर्मर सर्वाइवर उसके अकाउंट में बिल्कुल देख नहीं सकता, उसका कोई हक नहीं है उसके अकाउंट में। जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी तो पूरा जो 100% राइट है, अब फॉर्मर तो रहा नहीं तो उसका जो पूरा राइट है 100% सर्वाइवर को मिल जाएगा। सर्वाइवर चाहे तो उसको अकाउंट को कंटिन्यू कर सकता है अकेले, या चाहे तो फिर बैलेंस अपने पास पेमेंट लेके जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट नेम और सर्वाइवर्स, तो इस केस में कम से कम तीन होने चाहिए। दिस मॉडल इट इज यूज फॉर अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ मोर देन टू पर्सन, ऑलमोस्ट दोनों बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना ये दो लोग है तो फॉर्मर और सर्वाइवर, और दो से ज्यादा है तो फर्स्ट नेम और सर्वाइवर्स। ठीक है, ये सर्वाइवर है इसमें एक होगा, इसमें एक से ज्यादा होंगे, तो जब तीन लोग होंगे तब आपको फर्स्ट नेम और सर्वाइवर्स ये वाला क्लॉज इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो पहला तीन लोग है मान लीजिए एबीसी, इन तीनों ने फर्स्ट नेम और सर्वाइवर को अकाउंट ओपन किया है, तो ए का जो पहला पर्सन है उसका पूरा राइट रहेगा जब इसकी डेथ हो जाएगी, मतलब जब तक तो ये जीवित रहेगा बी और सी इसके अकाउंट में कुछ नहीं कर सकते, बी और सी का कोई हक नहीं है, पूरा 100% राइट किसके पास है, ए के पास है। जब ए की डेथ हो जाएगी तभी बी और सी को इसका जो राइट है ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, दो से ज्यादा लोगों के नाम, जब दो से ज्यादा लोग हैं उनके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है, मिनिमम दो से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि तीन, कम से कम तीन तो होना ही चाहिए। सच अकाउंट कैन बी ऑपरेटेड बाय द फर्स्ट होल्डर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, तो जो पहले वाला पर्सन है वो पूरी लाइफ टाइम तक उसी को इस्तेमाल करेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट होल्डर, जैसे ही उस फर्स्ट अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाएगी द सर्वाइवर कैन जॉइंटली, तो जो बच जाएंगे जीवित बी और सी, तो इनको जॉइंटली इस अकाउंट को ऑपरेट करना होगा। ठीक है, जॉइंटली होता है ये, तो ये हो गया आपका फर्स्ट नेम और सर्वाइवर। इन दोनों में डिफरेंस के ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है, बस फर्क इतना अगर दो लोग है तो ये और तीन लोग है तो ये, जैसे आपका थ्री और फोर था ना बिल्कुल ये भी वैसे ही है। थ्री में हमने क्या देखा था, ईदर और सर्वाइवर दो के लिए होता था और दो से ज्यादा होता था, तो उस केस में हाँ एनीवन और सर्वाइवर, तो दो के लिए है ईदर और सर्वाइवर, तीन कम से कम तीन के लिए मतलब दो से ज्यादा एनीवन और सर्वाइवर, ये भी वैसे ही है। फॉर्मर और सर्वाइवर, अगर सिर्फ दो लोग हैं तो फॉर्मर और सर्वाइवर, दो से ज्यादा है तो फर्स्ट नेम और सर्वाइवर, इसमें एक ही बच जाएगा तो उसको पूरा हक दे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें दो लोग जीवित होंगे, क्योंकि कम से कम तीन लोगों ने अकाउंट खोला है। पहले वाले की डेथ होगी तो जो दो लोग बचेंगे वो जॉइंटली अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, अगर वो चाहते हैं कि हम सेपरेटली अकाउंट को ऑपरेट करें या कुछ और, तो फिर उनको एक नया फ्रेश मैंडेट देना होगा। सेवन्थ आपका पॉइंट आता है वेरिएशन इन द इंस्ट्रक्शंस, कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट है ई और एस और वो चाहता है कि इसको एफ और एस कर दो, मतलब कोई भी मैंडेट में वेरिएशन यानी चेंजेस चाहता है। एनी वेरिएशन इन द इंस्ट्रक्शन गिवन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट कैन बी मेड ओनली इफ इट इज ऑथराइज बाय ऑल द अकाउंट होल्डर, मान लीजिए जब आपने अकाउंट ओपनिंग किया दो लोगों ने, हस्बैंड वाइफ ने, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि ई और एस खुलवा दो, फिर बाद में हस्बैंड आके बोल रहा है कि इसको एफ और एस कर दो, तो जब तक जितने भी अकाउंट होल्डर है ज्वाइंटली सभी को लिख के देना पड़ेगा मैंडेट, सभी के साइन चलेंगे, उसके बाद ही आप चेंज कर सकते हैं, मतलब एक आदमी बोल के चेंज नहीं करा सकता, जितने भी अकाउंट होल्डर है ज्वाइंटली अगर वो मैंडेट पे साइन करते तब जाके आप उस मैंडेट में उस इंस्ट्रक्शन उनके जो है पुराने इंस्ट्रक्शन में जो कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे उन्होंने दिया था उसमें चेंज तभी आप कर पाएंगे, यानी कुछ भी चेंज करवाना है तो सभी के आपको साइन चलेंगे। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना, किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैंसिल करना। ऑरिजिनल अथॉरिटी रिलेटिंग टू ऑपरेशन ऑफ ज्वाइंट एज वेल एज सर्वाइवरशिप क्लॉज मे बी लेटर बी रिवोक बाय एनी, अगर कोई पर्सन है वो कैंसिल कराना चाहता है अपने मैंडेट को, कैंसिल कोई भी कर सकता है। ठीक है, ये रिवोकेशन और इससे पहले हमने देखा इसमें डिफरेंस क्या है, ये बोल रहा है कि मुझे चेंज करना है, जो मोड है वो चेंज करना है ई और एस से एफ और एस, तो ये मोड चेंज की वेरिएशंस की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है रिवोकेशन, यानी ये पूरा कैंसिल ही करना चाह रहा है, कोई पर्सन चाहता है कोई भी ओरिजिनल मान लीजिए दो या तीन है ए बी सी, उसमें से ए आके कैंसिल कराना चाह रहा है। ठीक है, तो कैंसिलेशन अलाउड है, कोई भी जो उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए तो इंस्ट्रक्शन को कैंसिल अलाउड है बाय एनी वन ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर, तो कोई भी आके जो है अपनी इंस्ट्रक्शन को कैंसिल कर सकता है। इन सच केस फर्दर ऑपरेशन इन द अकाउंट आर परमिटेड ओनली इफ ऑथराइज बाय ऑल द, तो अब एक ने कैंसिल करा दी इंस्ट्रक्शन, जैसे ए ने बोला कि ये जो अकाउंट है इसमें अब से ऑपरेशन नहीं होनी चाहिए, तो कैंसिल के लिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन उस अकाउंट में दोबारा एक्टिविटी तभी हो पाएगी, ऑपरेशन तभी हो पाएगा जब सभी लोग ज्वाइंटली करेंगे। ठीक है, कोई भी उसमें से पेमेंट करानी कुछ भी करानी है तो ज्वाइंटली होना चाहिए, या फिर चाहे तो वो एक नया फ्रेश मैंडेट दे सकता है, उसके हिसाब से जो है फर्दर अकाउंट में ऑपरेशंस की जाएगी। तो ये है रिवोकेशन यानी कैंसिल करना।
नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन द मोड. इफ एनी चेंज आर रिक्वायर्ड इन ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस बाय एनी और वन रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल वही वाला पॉइंट हो गया जो आपका सेवन्थ है. कुछ भी वेरिएशन कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ये भी वही अगर मॉडिफिकेशन किसी भी मोड में अगर आप मॉडिफिकेशन चाह रहे हैं तो सभी के साइन होने चाहिए, जॉइंटली आप चेंज कर पाएंगे. स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ए चेक, एनी ज्वाइंट होल्डर कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ चेक इशूड बाय एनी. मान लीजिए किसी दूसरे ने ए बी सी है, बी और सी ने मान लीजिए जॉइंटली किसी चेक का इंस्ट्रक्शन दिया, तो ए चाह के उसको स्टॉप करा सकता, तो स्टॉप करने का राइट सभी के पास है. जैसे कैंसिल करने का राइट सभी के पास है ना अकेले अकेले, वैसे स्टॉप करने का राइट भी है. स्टॉप कर सकता है, फिर पेमेंट कब होगी सभी को लिख के देना पड़ेगा, जितने भी अकाउंट होल्डर है जॉइंटली सभी को लिख के देना पड़ेगा कि हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तभी आप उसके फर्दर ऑपरेशन को कंटिन्यू कराएंगे. नेक्स्ट पॉइंट है इनकैपेसिटी ऑफ जॉइंट होल्डर. अब कोई पर्सन इनकैपेबल कैसे बन जाएगा, मान लीजिए अचानक से आदमी इनसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में उसको इनकैपेसिटी माना जाता है. द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेशन इन द अकाउंट विल स्टैंड काउंटरमांडेड, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको कैंसिल मान लिया जाएगा इन केस ऑफ इंसेनिटी या इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ जॉइंट होल्डर एंड ऑपरेशन इन द अकाउंट विल बी स्टॉप. तो मान लीजिए दो या तीन लोगों ने अकाउंट खुलवाया था, उसमें से किसी एक की अगर मान लीजिए इनसेन हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, इसको बोलते हैं दिमाग खराब हो जाना, किसी का दिमाग मान लीजिए खराब हो गया अचानक से, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, बैंकरप्ट, ठीक है, तो उस केस में उसको इनकैपेसिटी माना जाता है. और एक डिफरेंस भी है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट में डिफरेंस है. इंसॉल्वेंसी तो नॉर्मल आप जानते हैं कि पर्सन के पास पैसा नहीं है कि अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, तो वो इंसॉल्वेंट है. बैंकरप्ट कौन होता है, जब लीगल टर्म में इंसॉल्वेंट को लीगली जाके कोर्ट डिक्लेयर कर देती तो वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी लीगल टर्म में नहीं है, लीगल टर्म में अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है तो उसको बैंकरप्ट बोला जाएगा. कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है या फिर इनसेन है जिसकी वजह से वो कैपेबल नहीं माना जाएगा, तो उस केस में जो अकाउंट में एक्टिविटी है उसको स्टॉप करना पड़ेगा. नेक्स्ट है क्लोजर ऑफ अकाउंट. अगर कोई भी ज्वाइंट अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं तो सभी के सभी जो अकाउंट होल्डर है उन सभी को आना पड़ेगा, तभी क्लोज कर सकते हैं. या फिर अगर कहीं से कोई वारंट मिला है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वारंट मिला के अकाउंट क्लोज करना है, तो उस केस में आप क्लोज कर सकते हैं. नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑपरेशन नॉट स्पेसिफाइड. जब भी मान लीजिए अकाउंट ओपन किया, और आजकल तो जनरली वो मैंडेटरी रहता है, पर पहले क्या था, लोग ज़्यादातर क्या है कि अपनी फिक्स इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे, क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते थे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कि किस तरह से ये अकाउंट ऑपरेट होगा. ईदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, हमने देखा ना बहुत सारे ऑप्शन है. तो नहीं अगर आपको मालूम हो रहा कि किस तरह से जो है इंस्ट्रक्शन दी गई है, किस तरह से अकाउंट में एक्टिविटी ऑपरेशन किया जाएगा. हाउएवर इट इज डिटेक्ट दैट नो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन ऑन द फॉर्म, तो फॉर्म के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई, सच अकाउंट मस्ट बी ओपन विद जॉइंटली मोड. तो इस तरह के एक अकाउंट में अगर कोई इंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखेगी तो उसको आप जॉइंटली ओपन करेंगे. जॉइंटली आप जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए ए और बी का अकाउंट जॉइंटली है, तो जॉइंटली मतलब कुछ भी एक्टिविटी होगी तो ए और बी दोनों के साइन लगेंगे, ठीक है, तभी वो एक्टिविटी कर पाएंगे. सेपरेट रिक्वेस्ट साइन बाय ऑल द जॉइंट होल्डर मे बी ऑप्टेन फॉर द मोड ऑफ ऑपरेशन डिजायर बाय दैट. अगर मान लीजिए वो चाहते कि कुछ चेंज करना, हमें जॉइंटली नहीं, हमें ज्वाइंट नहीं, अगर हम सेपरेट सेपरेट अकाउंट को ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो फिर एक नया फ्रेश मैंडेट देना होगा. तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट थे. चलिए शॉर्ट में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आपका कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाएगा. जॉइंटली विदाउट सर्वाइवरशिप में क्या होगा कि दो लोग कम से कम अकाउंट को ऑपरेट करेंगे, और ये विदाउट सर्वाइवरशिप है तो इसका मतलब अगर एक की भी डेथ हो जाएगी, जैसे ए और बी इसको ऑपरेट कर रहे हैं जॉइंटली, अगर एक की भी डेथ हो जाएगी तो जो पर्सन तो उसके जो राइट्स है, जिसकी डेथ होगी उसके सारे राइट्स, उसका जो भी बैलेंस पे जो भी उसका हक है पैसों में, वो उसके लीगल हेयर को ट्रांसफर हो जाएगा. तो वैसे ही इस अकाउंट में एक्टिविटी को स्टॉप करना पड़ेगा, और जो सेटलमेंट के थ्रू, डिजीज सेटलमेंट के थ्रू लीगल हेयर और जो सर्वाइवर है उनको पे किया जाएगा. जॉइंटली और सर्वाइवर में क्या होगा कि ये सभी अकाउंट होल्डर के द्वारा जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि इसमें सर्वाइवरशिप मेंशन है, तो ये सर्वाइवरशिप क्लॉज इसमें दिया गया है. तो जैसे ही एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरे वाले पे पूरा हक उसका होगा अकाउंट का, वो अकेले चाहे तो उसको ऑपरेट कर सकता है, चाहे तो अकाउंट क्लोज करके बैलेंस लेके भी जा सकता है. तीसरा ईदर और सर्वाइवर, इसमें सिर्फ दो ही लोग होंगे, दोनों का बराबर बराबर हक है. जब मान लीजिए ए और बी है, ए का मन करेगा तो ए जाके पैसे निकाल सकता है, बी का मन करेगा बी जाके, तो दोनों का बिल्कुल बराबर हक है. और इसमें से अगर एक की भी डेथ हो गई तो दूसरे वाले का पूरा अकाउंट में हक है, वो उसको आराम से अपना ऑपरेट कर सकता है, चाहे तो उसको क्लोज करके जा सकता है. एनीवन और सर्वाइवर क्या होता है, मिनिमम तीन लोग है, तो ये बिल्कुल वही है जैसे आपका ईदर और सर्वाइवर है, वैसे ही बिल्कुल एनीवन और सर्वाइवर है. बस फर्क इतना है, ईदर और सर्वाइवर में दो होने चाहिए और एनीवन और सर्वाइवर में तीन कम से कम होने चाहिए, ठीक है. तो कम से कम तीन इसमें होने चाहिए. और दूसरी इसकी क्या खास बात है कि तीन है और तीनों का मन करेगा, जैसे हस्बैंड वाइफ सन, तीनों ने एनीवन और सर्वाइवर ओपन किया तो हस्बैंड का मन करेगा वो जाके पैसा निकाल सकता है, वाइफ का मन करेगा वो जा सकती है, बेटे का मन करेगा वो जा सकता है. तो तीनों के साइन की इक्वल मान्यता है, तीनों का अलग अलग आराम से वो ऑपरेट कर सकते हैं. उसमें से अगर एक की भी डेथ होती है तो बाकी के जो दो बचेंगे जीवित, उनका अकाउंट का जो ऑपरेशन होगा जॉइंटली होगा, ठीक है. जो जीवित बचेंगे तो वो उनको जॉइंटली ऑपरेट करना होगा, और वो चाहते हैं कि पहले जैसा हो जाए, तो इनको फिर से नया ईदर और सर्वाइवर का नया मैंडेट देना होगा. दोनों के साइन लगेंगे, जो नया मैंडेट है उसमें दोनों के साइन लगेंगे.
नेक्स्ट है फॉर्मर और सर्वर, नाम से लग रहा है फॉर्मर, तो इसमें सारे राइट्स, जो पहले वाला जो नाम होगा तो सारे राइट्स उसको मिलेंगे, जैसे ही उसकी डेथ होगी, मतलब जब तक वो जीवित रहेगा फॉर्मर तब तक सर्वाइवर का कोई हक नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी डेथ होगी सारे हक सर्वाइवर को ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो चाहे तो अकाउंट को ऑपरेट करे, अदरवाइज क्लोज करके पैसा लेके जा सकता है। ये है फर्स्ट नेम और सर्वाइवर्स, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है फॉर्मर और सर्वाइवर, बस फर्क इतना है फॉर्मर और सर्वाइवर में सिर्फ दो लोग होते हैं और इसमें मिनिमम तीन लोग होते हैं, ठीक है। और ये उसी के लिए, ये अकाउंट उसी के लिए ओपन किया जाता है जहाँ पे कम से कम तीन लोग होने चाहिए, और इसमें सारा राइट पहले वाले को मिलेगा, जिसका नाम पहले नंबर पे लिखा होगा उसको सारे राइट्स मिलेंगे, तब तक जो बाकी के दो बचे मान लीजिए बी और सी, तो ए को पूरा हक मिलेगा, ए अगर पहले नंबर पे, बी और सी का कोई हक नहीं, जैसे ए की डेथ हो जाएगी वैसे बी और सी इस अकाउंट को जॉइंटली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ चेंज कराना चाह रहे हैं, हमें जॉइंटली नहीं सिंगल या इस तरह से ऑपरेट करना है, तो उनको एक नया फ्रेश मैंडेट देना पड़ेगा जिसमें दोनों के साइन, बी और सी के साइन चाहिए। वेरिएशन इन इंस्ट्रक्शन, कुछ भी वेरिएशन करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो सभी के आपको साइन लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कैंसिल करनी चाहिए तो कोई भी पर्सन कैंसिल कर सकता है। उसके बाद अकाउंट में अगर कोई कोई नया ऑपरेशन स्टार्ट करना है तो वो तभी अलाउ होगा जब सभी को एक फ्रेश नया मैंडेट देना होगा। मॉडिफिकेशन इन मोड, अगर कोई भी ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मॉडिफिकेशन सभी को मिलकर एक साथ करनी, मतलब मॉडिफाई अलाउ नहीं है। अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हैं अगर आप किसी बोर्ड में, तो जितने भी अकाउंट होल्डर है सभी के साइन लगेंगे जॉइंटली, वही उसको मॉडिफाई कर पाएंगे। स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन, तो कोई भी चेक गया पेमेंट के लिए तो कोई दूसरा पर्सन ज्वाइंट अकाउंट होल्डर वो उसको स्टॉप करा सकता है, और पेमेंट तभी शुरू होगी, यानी जो अकाउंट की एक्टिविटी है ऑपरेशन तभी शुरू होगी जब जो चेक है जिसकी पेमेंट हुई है, जो बाकी का जो ज्वाइंट होल्डर अगर वो नया मैंडेट देंगे तभी उसकी उसको फर्दर कंटिन्यू किया जाएगा। इन कैपेसिटी ऑफ ज्वाइंट होल्डर, अगर एक पर्सन मान लीजिए इनसॉल्वेंट है या इनसेनिटी जिसकी वजह से ट्रांशेस जो है वो कैपेबल नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उस केस में अकाउंट की एक्टिविटी को स्टॉप किया जाएगा। क्लोजर ऑफ अकाउंट, अगर आप अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं तो सभी के सभी ज्वाइंटली आके जितने भी अकाउंट होल्डर है सबको मिलकर एक साथ रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी तभी क्लोज कर सकते हैं, या फिर कहीं से वारंट मिलेगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तभी आप इसको क्लोज कर पाएंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ ऑपरेशन नॉट स्पेसिफाइड, अगर एक्टिविटी नहीं मालूम, मतलब जब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लिया तो उसको अच्छे से क्लियर फिल नहीं किया, तो जब भी आपको मोड ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाई नहीं किया कस्टमर ने, कुछ भी फिल नहीं किया, वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ना ईदर और सर्वाइवर, उसको टिक करना पड़ता है सिंगल, अगर जॉइंटली है तो वहाँ पे सिंगल का ऑप्शन नहीं रहेगा, वहाँ पे ईदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, जॉइंटली इस तरह के ऑप्शन रहते हैं, तो कस्टमर ने कुछ भी टिक नहीं किया, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो उस केस में आपको जॉइंटली ऑपरेट कराना है। कस्टमर अगर बाद में इसको चेंज करना चाह रहा है तो वो नया एक फ्रेश मैंडेट देगा और फिर उसको चेंज कर सकता है। तो इसमें सबका 4-5 नंबर का केस स्टडी पूछा है पहले इसी टॉपिक में से, तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर 6 एट्रीब्यूट्स ऑफ पेमेंट विजन, ये बिल्कुल आपके पहले क्वेश्चन की तरह ही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन से 6 एट्रीब्यूट्स है उसकी यहाँ पे बात करेंगे। 6 एट्रीब्यूट्स आपका है सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल। सिक्योर पेमेंट हो, सेफ हो और जल्दी हो, कन्वीनियंट हो बहुत इजीली, ज़्यादा महंगी ना हो, बहुत आसानी से एसेसिबल हो जाए सभी को, अफोर्डेबल मतलब सस्ती हो, तो ये 6 जो है एट्रीब्यूट्स हमारे पेमेंट विजन 2025 के। RBI ने पब्लिश किया था इसी को, और इसमें जो है 5 गोल्स बताए थे, उसमें से था आपका इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये 5 आके इसके गोल थे, या इसको आप 5 पिलर्स भी बोल सकते हैं। तो 6 इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ई पेमेंट ऑप्शन, ये 6 इसके एट्रीब्यूट्स है और ये 5 इसके पिलर बोल सकते हैं, या फिर आप इनको गोल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया। चलिए इसके साथ ये पार्ट 1 को कंप्लीट करते हैं, ये सारे को, ये जो ये वाला पार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन आपके, आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएंगे, टू हैंड्स ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और 500 से 600 के आसपास क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो सारे आपको टू हैंड्स ऐप से मिल जाएंगे, और वो आप फ्री में इसको अवेल कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी को नहीं लिया, मैंने 600 क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाया, मैंने कुछ 300 के आसपास क्वेश्चन ही कवर किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको गो थ्रू करने चाहिए, तो वो आप टू हैंड्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।